Guys, 22 दिसंबर 2020 को सी इशू करती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की नोटिफिकेशन जहां पर जीएसटी के रूल्स को अमेंड किया जाता है और उन रूल्स के अंदर जीएसटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है एंड यस गाइस बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है वो सारी अमेंडमेंट जो आई है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हे गाइज मैं हूँ विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस टैक्सेशन एंड अकाउंट्स की विदाउट फॉरदर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड सोगाइ चलिए चलते हैं सीधे सिस्टम पे और समझते हैं उस नोटिफिकेशन को सो so सोगाइ ये नोटिफिकेशन थी जो कि ट्वेंटी सेकेंड दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी को आई है नोटिफिकेशन नंबर नाइनटी फोर बाय टू थाउजेंड

देखिए रूल नंबर एट एंड रूल नंबर नाइन जो होता है रूल नंबर एट में हम एप्लीकेशन मूव करता है एक एक टैक्स पेयर एप्लीकेंट जो है है अपनी एप्लीकेशन मूव करता जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एंड रूल नंबर नाइन में उस एप्लीकेशन को वेरीफाई एंड अप्रूव किया जाता है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से इन दो रूल्स के अंदर ही मेजर अमेंडमेंट आई है और जो आधार ऑथेंटिकेशन वाला पॉइंट था उसमें कुछ अमेंडमेंट आई है जिसमें कि फर्दर क्लैफिकेशन की जरूरत है जो कि मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं देखिए रूल नंबर सब रूल फोर ए रूल एट का जो सब रूल फोर ए था

ऑथेंटिकेशन नाउ पॉइंट ये आता है कि बायोमेट्रिक बेस्ड है तो क्या हमको फिर से वो अंगूठे वाले जमाने पे जा रहे हैं जहां हमको अंगूठा लगा के वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये हम ही हैं एक्चुअल और साथ के साथ टेकिंग फोटोग्राफ्स अब यहां पर पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है यहां पर अपलोडिंग फोटोग्राफ्स नहीं है अभी हम क्या करते हैं जो पार्ट बी भरते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वहां पर फोटोग्राफ्स को अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है और आप एक्चुअल में टेक फोटोग्राफ भी कर सकते हो बट यहां पर आप स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है टेकिंग फोटोग्राफ्स यानी आपको जो है आप फोटोग्राफ लेनी पड़ेगी अगर आप फोन से कर रहे हो तो फोन से लैपटॉप से कर रहे हो तो लैपटॉप से आपको फोटोग्राफ लेनी पड़ेगी लाइव अनलेस एक्सामेड जो सेक्शन सिक्स दिए गवर्नमेंट के पास पावर होती है एक्जाम करने की वो किसी को करते तो है नहीं खैर

अब इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसके बाद है इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसके बाद में लिखा हुआ है ऑफ द एप्लीकेंट एप्लीकेंट द इज एन इंडिविजुअल यहां से पढ़ो मैं आपको बताता हूं अलॉन्ग वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी अब इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से समझो मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि कंप्लीटली चेंज होने वाला है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखिए एप्लीकेशन तो आप ऑब्वियसली वैसे ही फाइल करोगे उसमें क्या चेंज होगा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में डिजास्ट्रिकल चेंजेस आने वाले हैं अलोंग यानी आपने ये तो करना ही करना है ऊपर जो बताया हुआ है कि आधार ऑथेंटिकेशन वाला पॉइंट वो तो करोगे करोगे आप अलोंग the ऑफ द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट अपलोडेड विद द एप्लीकेशन इन फॉर्म जीएसटी आर आई एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ेगी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जाके दिखाना पड़ेगा ओरिजिनल पैन कार्ड जाके दिखाना पड़ेगा कहां पर दिखाओगे भाई बोल रहे हैं फैसिलिटेटिंग सेंटर्स हम खोलेंगे जो कि नोटिफाई करेंगे Obviously, इसकी भी नोटिफिकेशन आएगी अभी कि कौन कौन से वो जो है सेंटर्स हैं फैसिलिटेटिंग सेंटर है जहां पर जाकर के आपको अब देखो इन्होंने कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा कर दिया पहले क्या बोल रहे थे फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जो ऑफिसर है वो हमारे घर पर आकर फिजिकल वेरीफाई करेगा अब बोल रहे हैं आप एक काम करो वो तो पॉसिबल नहीं है इनके पास इतने रिसोर्स

तो कहने का मतलब आपको आधार ऑथेंटिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन अब आपको कराना पड़ेगा वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वो भी ये भी नोटिफाई बाय द कमिश्नर जो है वो नोटिफाई करेगा इन चीजों को भी पर्पज ऑफ deemed to be टू अब एक point को समझो ध्यान से. आपकी कब कंप्लीट हो मानी जाएगी जब आपने अपनी ऑनलाइन भर आ रही जी जी नहीं जीरो वन नहीं, नहीं देखो क्या बोला एप्लीकेशन सेल बी डीम्ड टू बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस डाउन अंडर दिस सब रूल यानी जब आप आधार ऑथेंटिकेशन तो कर दोगे प्लस साथ में आप जो है उसका वेरिफिकेशन भी करवा देते हो फैसिलिटेटिंग सेंटर में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी और ये कब से एप्लीकेबल हो गया है 22 दिसंबर से एप्लीकेबल हो चुका है जब से नोटिफिकेशन आई है तब से ये वाला प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो चुका है कहने का मतलब अब आपको जो है खुद जाकर के फैसिलिटेटिंग सेंटर में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा फॉर गेटिंग द जी रजिस्ट्रेशन और ये तो बात कर रहे थे हम रूल नंबर एट के अंदर जो चेंज आया जब आप एप्लीकेशन मूव करते हैं डिपार्टमेंट में तब जो इन्होंने ये उस रूल को किया है अब बात करते हैं जो वेरीफाई एंड अप्रूवल होता है रूल नंबर नाइन के अंदर जो कि डिपार्टमेंट करता है इन्होंने डिपार्टमेंट को भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है जो थ्री डेज का डीम अप्रूवल हुआ था उसको सेवन डेज कर दिया और भी एक दो चेंजेस हैं पढ़ते हैं जरा क्या, क्या क्या चेंजेस हैं रूल नंबर इन का जो सब रूल वन है इसको ध्यान से पढ़ो द एप्लीकेशन बी फॉर्डेड टू द प्रॉपर ऑफिसर को वो जाएगी और वो उसको एग्जामिन करेगा एंड द एंड डॉक्यूमेंट्स एंड इफ द सेम आर फाउंड टू बी इन ऑर्डर अगर आपने जो एप्लीकेशन मूव की रूल एट के अंदर अगर वो ऑर्डर में है सारा सब कुछ ठीक ठाक है तो जो आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा विद इन अ पीरियड अब यहां पर ध्यान दो पहले थ्री डेज हुआ करता था थ्री डेज के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को रिप्लाई करना था थ्री वर्किंग डेज हुआ करता था एक्चुअली अब उसको करके कर दिया सेवन वर्किंग डेज अब गलती से भी ना अपने क्लाइंट को ये मत बोलते ना आपको तीन से पांच दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा सेवन वर्किंग डेज का मतलब आप समझ लो आपके दस से पंद्रह दिन कहीं नहीं गए बहुत आराम से क्योंकि बीच में कोई छुट्टी आ गई सैटरडे संडे तो आप काउंट ही करो तो आप दस से पंद्रह दिन का आप तो टाइम लेके चलो जो प्रोसेस है वो लंबा होने वाला है एंड गाइस रूल लाइन के सब रूल वन के प्रोविजो में भी एक चेंज आया है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो इसका प्रोविजो था वो ये था कि भाई अगर आपको आधार ऑथेंटिकेशन जाना पड़ेगा आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं जाते तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी यहां पर भी एक चेंज आया है प्रोविजो में अब चेंज किया है इन्होंने बोला है कि भाई अ पर्सन अदर देन अ पर्सन नोटिफाइड अंडर दिस इसको तो भूल ही जाओ फेल टू अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाते हो या फिर डज नॉट आप ऑप्ट नहीं करते आधार ऑथेंटिकेशन तब तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ये बेसिकली ये पॉइंट प्रोविजो जो फिजिकल वेरिफिकेशन की बात करता है रूल नंबर 9 के अंदर सब रूल 1 का प्रोविजो और जो इसका क्लॉज बी है इस प्रोविजो का प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर ऑथोराइज बाई द कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर समझो आप इन्होंने जो आधार ऑथेंटिकेशन जिसने ऑप्ट नहीं किया है, जिसका फेल हो गया उसको तो कवर कर ही लिया उसका तो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे करेंगे उसके अलावा भी अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि हमको अप्रूवल देने से पहले जो है फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत है तो वो कर सकता है सो so गाइज अगर फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है इन प्रोविजोज के अंदर तो जो टाइम लिमिट है सेवन डेज से बढ़ा करके थर्टी डेज की टाइम लिमिट जो है वो कर दी है यानी डिपार्टमेंट के पास थर्टी डेज का टाइम होगा उस एप्लीकेशन पे रिप्लाई करने का एंड गाइज रूल वन के बाद जो चेंज आया है सब रूल टू के अंदर भी सब रूल टू के अंदर बेसिकली जो होता है वहां पर अगर प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता तो उसको इसमें रूल टू के अंदर उसको थ्री वर्किंग डेज में करना होता था रिप्लाई लेकिन अब उसको सेवन वर्किंग डेज कर दिया गया है तो यानी सेवन वर्किंग डेज का टाइम हो गया डिपार्टमेंट के पास एप्लीकेशन के ऊपर रिप्लाई करने के लिए अगर प्रोफिस ऑफिसर जो है सेटिस्फाई नहीं है एंड सब रूल टू के अंदर गाइज एक प्रोविजो भी एड किया हुआ है कि अगर जो है आप आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ नहीं करते या फिर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो डीम्ड फिट उसको लगता है कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए उस केस में जो है यहां पर फिर से थर्टी डेज की टाइम लिमिट दे दी है एप्लीकेशन के बाद में और जो आर ई जी जीरो थ्री में जो नोटिस होगा नोटिस इशू होगा वो विद इन थर्टी डेज द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आपका इशू किया जा सकता है डिपार्टमेंट के थ्रू तो उन्होंने अपने टाइम पीरियड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है जो पहले थ्री डेज का होता था उसको सेवन डेज कर दिया गया है। और इससे ही गए होंगे जो अगला जो चेंज आएगा डीम्ड अप्रूवल का जो चेंज आएगा वहां पर भी थ्री डेज की जगह सेवन डेज कर दिया गया है यहां भी पूरा सब्स्टिट्यूट क्या है सब रूल नंबर फाइव जो होता है रूल नंबर नाइन का जहां पर डीम्ड अप्रूवल की बात कही हुई है सो इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल टू टेक एनी एक्शन विद इन पीरियड ऑफ सेवन वर्किंग डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ सबिशन ऑफ द एप्लीकेशन इन केस विदन इज नॉट कवर्ड प्रोविजन टू रूल वन यानी उसका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है उस सिचुएशन में सेवन वर्किंग डेज के अंदर आपका जो है डीम्ड अप्रूवल हो जाएगा तो इसीलिए मैंने बोला और ये सेवन वर्किंग डेज है तो दस से बारह दिन आप आराम से लेके चलो डीम्ड अप्रूवल वाले केस में भी अगर सारी चीजें आपकी ओके हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तब और थर्टी डेज का पीरियड तो दिया ही हुआ है अगर आप आ, प्रोविजो टू तो सब रूल वन में फॉलो करते हो यानी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद अगर आप क्लैरिफिकेशन फाइल कर देते हो तो क्लैरिफिकेशन तो फाइल करने के बाद में सेवन डेज के अंदर अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है डिपार्टमेंट की तरफ से तो वहां पर डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा तो द एप्लीकेशन ऑफ द ग्रांड सेल डीम्ड अप्रूवल टू हैव बीन अप्रूव्ड सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे कहने का मतलब मैं पूरे डिस्कशन को कंक्लूड तो पहला पॉइंट निकल के आता है कि आपको अब एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करने के साथ साथ क्या करना होगा फैसिलिटेटिंग सेंटर पर जाकर के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कराने पड़ेंगे साथ के साथ आपको एक बायोमेट्रिक जो इन्होंने बोला है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे करेंगे वो क्योंकि उसके लिए फिर से क्या हमको अंगूठा लगाना पड़ेगा या ओटीपी के थ्रू होगा कि ओटीपी के आधार ऑथेंटिकेशन तो अभी भी हो रहा है करेंटली बायोमेट्रिक में क्या हमको फिर से अंगूठा लगाना पड़ेगा वो चीज़ चेक करने वाली होगी फर्दर नोटिफाई करेंगे इसकी नोटिफिकेशन आएंगी वहां पर इसको और अच्छे से कैरीफाई करेगा डिपार्टमेंट और लास्ट जो इंपॉर्टेंट अपडेट आता है कि आपका डीम्ड अप्रूवल जो था वो थ्री डेज से हो चुका है अब सेवन डेज का तो उसके अकॉर्डिंग ही क्लाइंट को आगे टाइम दीजिए टेन टू ट्वेल्व डेज तो आपके मिनिमम लगेंगे ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स सो गाइज ये था आज डिस्कशन में रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमने सारी नोटिफिकेशन इशू करी जो कि आई थी फोर्टीन अमेंडमेंट रूल में जो कि ट्वेंटी सेकेंड डिसंबर को वाई नोटिफिकेशन नंबर नाइन्टी फोर बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी सीबीआई ने इशू किया था इसके अलावा रूल थर्टी सिक्स फोर पर काफी बड़ा अपडेट आया है वो भी डिस्कस करेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोज में सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ ग्रेट टाइम टेक केयर बाय बाय